नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं विषय है भूगोल का पूरा प्रश्न का आंसर लिखे वार्षिक परीक्षा 2021 का इस वॉल पेपर पूरा आप देख सकते हो। उसमें हल करेंगे पूरे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। एक से लेकर पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपका पूरे का आंसर इसमें मिलेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप अफ्रीका व अमेरिका, तो आंसर क्या होगा देख लीजिए। आपने ध्यान लगा हुआ है पूरे क्वेश्चन को देखते चले आप। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका, बोटोपटी में क्षेत्र गल्फ स्ट्रीम किस स्वभाव वाली धारा है, तो वो है आपकी गर्म। पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है क्या होगा, उपयुक्त सही, निम्न में से मृदा का सर्वाधिक व्यापक क्या होगा आपका, ये तो सही होगा। पांचवा क्या है, निम्न में मृदा का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव क्या किस प्रकार का होता है, जलोद मिट्टी का होता है। वीडियो को देख लेना है, पूरा वीडियो देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाना है। आपके क्वेश्चन से रहे चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन चल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। पांचों के पांचों वार्षिक प्रश्न पत्र है, इसको आपको हल करना है। पूरा पेपर आपका दिया गया है, देखिए पहले में अगस्त अप्रैल अगस्त देखिए खाली स्थान को चलते भूगोल का वर्णन है पृथ्वी के धरातल का, क्या आएगा इसमें, पृथ्वी के धरातल वायु के क्षेत्रीय संचलन में होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्थानांतरण संवहन कहलाता है। विशेष परिस्थितियों में पादप जंतुओं के अंतर संबंधों का कुल योग क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। हम तो लिखना भूल गए, इसमें आंसर क्या होगा, परितंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, क्या आता है, उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। पूरा क्वेश्चन देखते चले अपन, आंसर नोट करना है। एक वाक्य में उत्तर देना है, सिस्मोग्राफ द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता इसमें ज्ञात की जाती है। रेक्टर पैमाने पर भूकंप नापा जाता है। भूकंप रेखा के निकट किस प्रकार की वर्षा होती है, देख लीजिए आप लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में, जो बताते चलिए। मानव अनुवांश के रूप से किस प्रजाति से होमो सेपियंस, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में किस राज्य के शासित प्रदेश से आरंभ, वो है आपका जम्मू और काश्मीर। समांतर मिट्टी के कितने प्रकार बताए जाते हैं, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर दिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर रहे पूरे क्रम से, आपको इसी क्रम से लिखना। देखिए चौथा क्वेश्चन, सत्य सत्य का चुनाव करना, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में अपर्दन अपक्षय और विक्षेपण संभव, सही है। दूसरा भाषा जल के रूप में बदलाव संघन के लाते, तो सही है। एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा प्रवाह खाद श्रृंखला के लाते, बिल्कुल सही है। भारत के संपूर्ण तट रेखा द्वीपीय समूह की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर, तो गलत है, ये गलत रॉन्ग है। बालू के टीलों के प्रकार को प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों का मेखला बनाना चाहिए, ये गलत है, शुरू कर रही है। और चौथा और पांचवा आपका आंसर गलत है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है एक से लेकर चार तक। इसके बाद अपन आंसर क्यों चलेंगे, नोट कर लीजिए आप, कुरान से पूरे आंसर दिए गए हैं, उसको आपको लिखना है एक एक का पूरा नोट करना है। देखिए पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। उसका नंबर ये आपके जो ऊपर लिखा है उसको आपको लिख के बताया गया है, जिससे आपको दिक्कत ना पड़े। पूरे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पूरा देखिए आप, कर लीजिए आप क्वेश्चनों को।
वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं। नोट करते चलिए, आप पूरे क्वेश्चन आंसर हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और कॉपी में लिखते चलिए, ये पेपर आपका आंसर कर रहा। तो वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर है, इसके बाद पूरे क्वेश्चन से आपको देखते रहिए।
वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। वीडियो के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो चर्चा करना है और सभी को शेयर जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।